खुशियों का त्यौहार है और गुलाल के थ्रू हम लोग अपना खुशियाँ बांट रहे हैं। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। अभी हम मगध महिला कॉलेज में हैं। यहाँ पे जो छात्रा हैं एक दूसरे को गुलाल लगा करके खुशी जाहिर कर रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग डांस कर रहे हैं और कितने झूम उठ हैं। और ये सब आप लोग अभी लगा के आज डांस कर रहे हैं। हाँ, होली का त्यौहार है, आप एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल लगा रहे हैं, खुशियों का त्यौहार है और गुलाल के थ्रू हम लोग अपना खुशियाँ बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ। दुश्मनी को दोस्ती में बदल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी दोस्त जो थी हम लोग से नाराज थी, हम लोग उन लोगों से, लेकिन एक दूसरे को रंग लगा के हम दोनों ने, हम लोगों ने अपना जो भी गुस्सा वगैरह था वो सब खत्म कर लिया और फिर से हम लोग फ्रेंड्स बन गए। तो होली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे दोस्तों को मिलाता है, रिश्तेदारों को मिलाता है, इनफैक्ट खुशी का त्यौहार है। आप लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, एक दूसरे को गाल में गुलाल लगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हाँ बहुत मस्ती कर रहे हैं सब लोग मिल के, सारी खटास मिटा कर फिर से हम लोग अपने बीच मिठास लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे को प्यार बांट रहे हैं। जी हाँ, हम लोग तो प्यार बांटते ही रहते हैं हमेशा, और अभी होली का टाइम है तो हम लोग अभी प्यार बांटने का ही मौका है, तो सब में प्यार बांट रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो और काफी लड़की अभी यहाँ पे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा मतलब कॉलेज में फर्स्ट होली है, बहुत मजा आ रहा है। तो कॉलेज में फर्स्ट होली है। हाँ अभी हम दिखाना चाहते हैं कि और यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं जो एक सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे एक दूसरे को गुलाल लगा करके खुशी जाहिर कर रहे हैं। बहुत बहुत खुश है। आप लोग पहली बार कॉलेज का फर्स्ट होता है क्या? ये होली हमेशा याद रहेगा, जब भी हम लोग कॉलेज छोड़ के भी चले जाएंगे तो भी। यस, कॉलेज लाइफ बहुत मिस करेंगे बाद में। लग रहा है कैसा होली अगर हमेशा आता रहता तो दूसरे को खुशियां बांट रहे थे, गाल में गुलाल लगाते। यस, अब होली प्रॉपर होली मिस कर रहे थे, प्रॉपर होली इस बार हम लोग मना रहे हैं। ऐसा तो 3 साल से तो होली ही नहीं मनाया हम लोग। होली बहुत अच्छा, मतलब खुशियाँ से खेलते हैं हम लोग, अच्छा खाना पीना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे महिलाएं जो छात्राएं थे एक दूसरे को गुलाल लगा रहे, देख सकते हैं आप लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, क्या कितने खुश हैं आप लोग कॉलेज में? बहुत ज्यादा खुश हैं हम लोग, बहुत अच्छा फेस्टिवल है जो हम लोग सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। बहुत दिन पे मौका मिला हम लोग को ऐसे खेलने का कॉलेज में होली, और कॉलेज लाइफ में ये तो एंजॉय कर लिए। आप लोग भी यहाँ पे होली खेल रहे हैं, कितने आप लोग का मस्ती कर रहे हैं? बहुत मस्ती कर रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं हमारे कॉलेज का लास्ट ईयर हमारे कॉलेज का, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जितना हो सके। होली को सुबह से फिर क्या कहना चाहते हैं? सबको हैप्पी होली और अच्छे से खेले, सेफली खेले, इनकी तरह से बर्बाद ना कर दे। और यहाँ पे आप भी होली खेल रहे हैं? जी बिल्कुल, हम भी होली खेल रहे हैं यहाँ सब लोगों की तरह। यहाँ पे और मेरे पीछे भी लड़की है, आप लोग यहाँ पे होली खेल रहे हैं, एक दूसरे के गाल में गुलाल लगा रहे हैं, दोस्तों के साथ एक शेयर कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग ये कलर्स का फेस्टिवल, और जैसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे ईयर साथ में ही है, हम लोग बीकॉम के हैं और काफ़ी अच्छा फील आ रहा है हम लोग को ऐसे सेलिब्रेट करके। 2 साल से तो कोरोना के चलते, हाँ कोरोना की वजह से यूनाइट नहीं हो पाए हम लोग, बट अभी काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। अब होली के हिसाब से भी क्या कहना चाहते हैं दोस्तों लोग का? सेफ होली खेले, कलर से पक्के कलर से ना खेले, अब गुलाल वगैरह से खेले और अच्छे से खेले बस। थैंक यू। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पटना पर आप लोग मगध महिला कॉलेज का स्टूडेंट हैं, यहाँ पे दूसरे को गाल में गुलाल लगा रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं होली खेल के फ्रेंड लोग के साथ में। 2 साल से बहुत हम लोग दिक्कत में थे कि हम लोग होली नहीं खेल पा रहे थे और बहुत मिस कर रहे थे हम लोग कॉलेज के प्रोग्राम को, और अब हम लोग खुश होके होली खेल पा रहे हैं। बहुत मजा आया, बहुत खुश, मिस कर रहे हैं कि 2 साल पहले भी इसी तरह हम लोग मनाते, बट कोरोना की वजह से हम लोग नहीं कुछ कर पाए। इस बार बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय भी हुआ,
और हमेशा याद रहेगा ये दिन। ये दिन हमेशा नहीं याद रहेगा, ये हमारा आखिरी होली है इस कैंपस में। हम लोग थर्ड ईयर। आखिरी होली है? हाँ, हमारा भी आखिरी होली है इस कैंपस में। दो साल से तब कोरोना के चलते नहीं होली। हाँ, नहीं खेल पाए कुछ, बिल्कुल भी नहीं खेल पाए होली। हम लोग घर पे ही थे, वर्चुअली सेलिब्रेट कर रहे थे, एक दूसरे को सबको बहुत मिस कर रहे थे। दो साल से तो हम लोग कोरोना से एकदम पीड़ित थे, कोरोना के कारण हम लोग कुछ इंजॉय नहीं कर पाए। 19-20, 20-21 तक हम लोग का ऐसे ही कोरोना में चला गया। अभी हम लोग का आज कॉलेज का लास्ट डे है, हम लोग का पीजी सेमेस्टर का भी लास्ट है कॉलेज से, इसलिए आज हम लोग बहुत 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 ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं और बहुत मस्ती करके ही जाएंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा याद करेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये होली बहुत ही अच्छा रहा। दो साल के कॉलेज से बहुत मिस करेंगे इस कॉलेज को, ये होली और इस कॉलेज में हम लोग का लास्ट है। अब हम लोग इस कॉलेज को हम लोग बहुत याद करें, बहुत ही फैमिली यहाँ है हम लोग की, और हम लोग दूसरी फैमिली से लास्ट रहे हैं, हम लोग बहुत मिस करेंगे। हैप्पी होली लास्ट हम लोग का, हम लोग का फाइनल होली खेले रघुवीरा मन में, होली खेले रघुवीरा खास तौर पर देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, छात्राएं मगध महिला कॉलेज की, जो किस तरह से यहाँ पे होली खेल रहे हैं और एक दूसरे को गाल में गुलाल लगा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधी तौर पर ये तस्वीरें हैं, ये जो पटना मगध महिला कॉलेज के जो डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मानसी झा भी आ चुके हैं, जो NUSI के छात्र संघ का अध्यक्ष है। जी है, सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और ये एक प्रेम का त्यौहार होता है, तो हम लोग प्रेम से यहाँ पे मगध महिला की जितनी भी हमारी बहनें हैं सब लोग मिलके हम लोग खेल रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप लोग होली के दिन प्यार से और जितनी नफरत को मिटा के आप लोग जिस तरीके से प्यार से रहते हो, उस टाइम हमेशा आप लोगों को कैसे रहना चाहिए, इस प्यार से रहना चाहिए। जिस तरीके से होली है रंग का, रंगों का त्यौहार है, उसी तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी में रंग बिखेरनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो इस बारी काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहेगा इस होली में इस बारी। जी दो साल का मतलब एक साल में बिल्कुल। खास तौर पर देख सकते हैं कि जो मानसी झा थे सीधे तौर पर कहते हैं कि दो साल से हम लोग कोरोना काल में होली नहीं खेले थे, पर इस बार होली खेलने का मौका मिला है तो हम लोग होली का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पे जो मगध महिला कॉलेज के जितने भी छात्राएं, और देख सकते हैं कि सीधे तौर पर मेरी पीछे जो किस तरह से यहाँ पे डांस कर रहे, एक दूसरे को गाल में गुलाल लगा रहे। लगा रहे हैं, खुशियों का त्यौहार है और गुलाल के थ्रू हम लोग अपना खुशियाँ बांट रहे हैं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।